गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. आफ्टर योर एग्जाम वी विल स्टार्ट अवर न्यू लेसन. दैट लेसन इज नंबर 8, पीयर प्रोफाइल. पीयर प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब अपने बारे में जानकारी. आपको पसंद नापसंद, आपके फैमिली में कौन कौन है, कौन नहीं है, क्या खाना पसंद है, क्या देखना पसंद है, दैट इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट यू. पीयर प्रोफाइल मीन्स दैट हम लोग बोलेंगे आपके उम्र के, जैसे आपके दोस्त हो, आपके कोई कज़िन हो जो आपके उम्र के हो, वो उनके बारे में भी जानकारी, और या आपके उम्र के. ओके, दैट इज़ अ पीयर प्रोफाइल. गेट 10 ऑफ योर फ्रेंड्स टू फिल आउट दिस शीट ऑफ फॉर यू. ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने 10 दोस्तों को लेके ये जो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है इस शीट में, जो जो चीज़ें आपको पूछा जा रहा है आपको उसको फिल करना है. सो नाउ यर फर्स्ट इट इज़ माई नेम. नेचुरली आपका नाम आएगा, आपका पूरा नाम यहाँ पर लिखना है. एट होम दे कॉल मी. कुछ बच्चों को अपना एक पेट नेम होता है जिसे घर में बुलाया जाता है, प्यार से बुलाते हैं, मम्मी हो या पापा. तो आपको घर में क्या बुलाया जाता है, दैट इज़ वॉट यू हैव टू मैंशन. यर इट इज़ गिवन अबाउट वन बॉय, जस्ट नेम इज़ गिवन. सॉरी, अनिशा इज़ अ गर्ल. ओके, उसके बारे में दैट उसको घर में सोना बुलाया जाता है. माय फ्रेंड्स कॉल मी निशा. और कोई लोग ऐसे भी है, दोस्त लोग अलग से एक नाम से बुलाते हैं, तो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, हर फ्रेंड्स कॉल्स हर निशा. सम ऑफ द थिंग्स आई एन्जॉय. अभी कौन से थिंग आपको करना पसंद है, एन्जॉय करते हो, जैसे आइसक्रीम खाना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है. सम ऑफ दम चाइल्ड लाइक डू साइकिलिंग एंड ऑल, सम ऑफ दम लाइक टू डू ड्राइंग एंड ऑल एवरी थिंग. सम ऑफ द थिंग्स आई अप्रिशिएट. सम ऑफ द थिंग्स आई अप्रिशिएट मतलब हमें अच्छा लगता है, हम तारीफ करते हैं उसकी, सुनना पसंद करना है, देखना पसंद करते, वॉट एवर अप्रिशिएट करते. तो यहाँ पर वो लड़की को क्या ये करती है, उसको म्यूज़िक बहुत पसंद है और अच्छी हैंड राइटिंग. तो योर चॉइस मेट बी समथिंग डिफरेंट, तो यू कैन मैंशन दैट. आपका वो चॉइस आप लिख सकते हो. सम ऑफ द थिंग्स आई फियर. किस चीज़ को आपको डर लगता है. अभी नेचुरली लोगों को छिपकली, माउस, चूहों से वगैरह डर लगता है, तो हियर इट इज़ मेंशन अ माउस. सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास. अभी सबके सामने, बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने सबको बोलने के लिए नहीं होता है. कुछ लोग बच्चे लोग शर्मा जाते हैं, कुछ लोग बच्चे लोग डर जाते हैं. तो यहाँ पे शी इज मेंशन शी डोंट लाइक टू सिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास. क्लास के सामने, बच्चों के सामने वो सिंगिंग करना पसंद नहीं करते. तो आपको किस बात से आपको डर लगता है, दैट यू हैव टू मेंशन. ओके, सम ऑफ द थिंग्स आई हेट टू डू. कुछ चीज़ें ऐसा है जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है, गवारी नहीं है, यू डोंट लाइक टू डू दैट थिंग्स. आई यू हेट टू डू. सो हियर इट इज़ गिवन कट ऑनियंस. वो बोलती है उसको ऑनियन कट करना पसंद नहीं. नेचुरल यू नो दैट जब प्याज को काटते तो टीयर्स रन आउट. ओके, आँखों से आंसू निकल आते, तो उसे वो पसंद है. आपको भी कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करना, तो यू हैव टू मेंशन इन दैट. सम ऑफ द थिंग्स आई हैव टू डू. कुछ चीज़ें हैं आपको मजबूरन में करना पड़ता है. वी हैव नो अदर ऑप्शंस. आपको करना ही है. सुबह जल्दी उठना नेचुरली बच्चों लोगों को पसंद नहीं आता है. When you have to go to school, तो naturally आपको घर सुबह जल्दी उठना पड़ता है. तो getting up early in the morning, she don't like to do, but she have to do. उसे करना ही है, जबरदस्त, it is compulsory for her. Everybody, most of them. Some of the things I will never do. कुछ चीज़ें है वो बोल रही है कि मैं कभी करूँगी ही नहीं. That is what? Tell a lie to my mother. उसे क्या पसंद नहीं है, माँ से कोई भी बात झूठ बोलना उसे पसंद नहीं है. This should be, I think this thing every student, every child should follow these things. Nobody should tell lie in, nor your mother also. यानी झूठ तो बोलना ही नहीं है, और माँ से हो सके तो सारी बात सच सच बताया कीजिए, झूठ बिल्कुल मत बोलिए माँ से, because she helps you a lot. Some of my good habits. अभी कुछ अच्छी आदतें होती है, हर एक में होती है अच्छी आदतें, बुरी आदतें भी होती है. तो व्हाट आर द गुड हैबिट्स. ब्रशिंग टीथ ट्वाइस इन अ डे. अभी उसको क्या आदतें पसंद है, हैबिट्स उसकी अच्छी क्या है. ब्रशिंग टीथ, दिन में दो बार दांत घसती है, मतलब सुबह उठ के दांत घसती है, फिर रात को सोने से पहले दांत घसना. दिस इज़ अ गुड हैबिट. यू मे हैव सम अदर गुड हैबिट्स ऑल्सो बिसाइड दिस. सम ऑफ माई बैड हैबिट्स. अभी कुछ बुरे आदतें भी होती है,
stuffing my clothes in the cupboard without folding them. I think this most of the childs do that. काफ़ी सारे लोग करते हैं, बच्चे भी करते हैं, even the elders also sometimes do this. Stuffing my clothes मतलब अपने कपड़ों को बिना fold किए हुए कपड़े कबर्ड में ऐसे ही ठूस देना, बंद कर देना, डाल के दरवाज़ा बंद कर देना. तो ये उसकी बुरी आदत है. दिस माइट बी योर्स ऑल्सो. आप भी अपने कपड़े वगैरह निकल के डालते होंगे. इवन किताबें भी कुछ बच्चे ऐसे उठा के फेंक देते हैं कहीं ना कहीं पे. अपने चीज़ें कहीं पे भी मिसमैनेज रहता है, मैनेज नहीं करते उसको, अपने अपने जगह पे नहीं रखते. तो ये बुरी आदतें होती हैं. तो यू ऑल्सो शेयर योर बैड हैबिट्स विथ अस. माई फेवरेट पर्सनैलिटी मतलब आपको जो इंसान पसंद है उसके बारे में लिखना है. तो अब यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी दिया गया है. ओके, माय फेवरेट पर्सनैलिटी इज महेंद्र सिंह धोनी. योर्स माइट बी समबडी हेल्स. कोई और भी हो सकते, कोई सिंगर हो सकते, कोई डांसर हो सकते, कोई फिल्म कैरेक्टर सेलिब्रिटी हो सकते या कोई और हो सकते. तो यहाँ पे आपको आपका जो फेवरेट इंसान है, जो पर्सनैलिटी जिसे आप देखते हो, एडमायर करते हो और ये सोचते हो कि आपको उनका जिस बनना है या आइडल हो, माइट बी आइडल पर्सन फॉर यू. तो ऐसे लोगों को आप, ऐसे लोगों के बारे में लिखना है. व्हाट आई लाइक मोस्ट अबाउट दिस पर्सन. अभी ये जो पर्सनैलिटी दिया है उनके बारे में, इन्हें क्या पसंद है, मतलब आपको क्या पसंद है. ही इज़ ए वेरी गुड कैप्टन. ओके, यू नो, एवरीबडी नो दैट महेंद्र सिंह धोनी इज़ ए वेरी गुड कैप्टन. वी हैव वन मेनी मैचेस अराउंड व्हेन ही वाज़ ए कैप्टन. ओके, अंडर हिज कैप्टनशिप. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द थिंग्स इट इज गिवन. पीएफ प्रोफाइल अबाउट योर प्लस एंड योर माइनस, योर नेम्स एंड योर फ्रेंड्स नेम, एवरीथिंग. व्हाट डू योर फ्रेंड्स कॉल यू, व्हाट यू लाइक टू हैव, व्हाट यू अप्रिशिएट, what are the things you fears to do, what the things you hate to do, some of the things you don't want to do but you have to do, some of the things I will never do. These are some of the things you have, whatever you do in your daily routine, that is mentioned over here. Okay, तो यहाँ पर सिर्फ आपको अपने बारे में जानकारी देना है. आपको पसंद नापसंद कर, क्या करना पसंद है, क्या देखना पसंद है, किस चीज़ से आपको घबराहट होती है, कौन सा चीज़ करना पसंद नहीं है, कौन सा चीज़ आपको जबरन करना पड़ता है. दैट इज़ ऑल थिंग्स. आपकी गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी, ये सब चीज़ें आप अपने इसमें को हमारे साथ शेयर करना है. ओके, आप अपने दोस्तों को भी पूछ सकते हैं. आपके हम उम्र के दोस्त जो रहते हैं, आपके क्लासमेट्स हो या आपके कजिन्स हो या आपके आस पड़ोस के जो है जिससे भी आप बातें वगैरह, तो आप उससे भी पूछ सकते कि उनकी पसंद नापसंद क्या है, उनका नाम कोई और है तो एवरीथिंग. ओके, दिस इज़ व्हाट अवर लेसन कंटेन. वी हैव फिनिश दिस लेसन. सॉरी. ओके, आई विल गिव यू सम ऑफ द थिंग्स टू कम्प्लीट योर सेल्फ. तो आप विथ योर पेरेंट्स और विथ योर एल्डर्स यू कैन कम्प्लीट दैट. ओके, असाइनमेंट विल बी गिवन टू यू. थैंक यू.